महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं। सही बात, सही बात, यस। बाहर जो काम करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, उनके लिए उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, कॉम्पनसेशन मिलता है। मगर सच्चाई है, और शायद ये पुरुषों को अच्छी ना लगे बात, सच्चाई है कि अगर आप 8 घंटा काम करते हो, 10 घंटा काम करते हो, तो हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटे 18 घंटा काम करती हैं। और जो घर में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, देश के भविष्य की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उस 8-10 घंटे काम के लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता है और कभी नहीं मिला है। देखा, ये जो पुरुष हैं, इन्होंने ताली इतनी जोरों से नहीं बजाई, इसको जोर से बजाइए, ये सच्चाई है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है, ये हर घर जानता है। तो हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। अब ये महालक्ष्मी योजना क्या है, मैं बता रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों नाम होंगे उसमें, उस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपए अंदर डाल देगी। हर महीने पहली तारीख को करोड़ों लोग जागेंगे, बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए महीने के खटाखट। ये किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे, इन परिवारों में पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो दुगना काम करती है। ये बात नहीं होगी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं अंत में पैसा आपको भी मिलेगा, आप किसी ना किसी तरीके से निकाल लोगे, मगर उनकी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ये है पहला तरीका करोड़ों लाखपति बनाने का। और ये जो पैसा है, ये उस दिन तक बैंक अकाउंट में जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नहीं निकलेगा। ये टेम्पररी 1 महीने का काम नहीं है, ये उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलेगा। पहला काम। दूसरा काम, अदानी जी के जो बेटे हैं, जॉब मार्केट में जाने से पहले उनको टेम्पररी जॉब मिलती है, 6 महीने की, 1 साल की, वो अदानी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, बैंक अकाउंट में पैसा आता है, जॉब करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद में परमानेंट उनको जॉब दी जाती है, बिजनेस में उनको जगह दी जाती है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, अप्रेंटिसशिप का सपना, पहले साल की नौकरी का सपना नहीं देख सकता है। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने नाम दिया है पहली नौकरी पक्की, जैसे मनरेगा में अधिकार देते थे, रोजगार का अधिकार, वैसे ही यह अधिकार हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कोई भी बेरोजगार युवा सरकार से 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांग सकेगा, और सरकार को गारंटी करके उसको 1 साल की नौकरी देनी ही पड़ेगी। नौकरी कहां होगी? प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी, सरकारी अस्पतालों में होगी, सरकारी ऑफिसेज में होगी, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होगी। और करोड़ों युवाओं को
साल का 1,00,000 रुपया, महीने का 8,500 रुपया और एक साल की टॉप ऑफ लाइन ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके बाद हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स इस योजना के माध्यम से मिलेगी। तो एक प्रकार से जॉब मार्केट में अंदर जाने का यह तरीका है, जो दीवार नरेंद्र मोदी जी ने बना रखी है, उस दीवार को तोड़ने का तरीका हमारा पहले नौकरी पक्की स्कीम। अब किसान कहेंगे, देखिए राहुल जी, आपने महिलाओं का कर दिया काम, बेरोजगार युवाओं को, बच्चों की आपने देखभाल कर दी, हमारा क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ होगा। और जो आप मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं, कानूनी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदुस्तान के किसानों के लिए हम लीगल गारंटी देके कर रहे हैं। मजदूर कहेंगे, भैया किसानों का काम कर दिया, हमारा क्या होगा? आजकल मनरेगा 250 रुपए मिलते हैं, मनरेगा में हम 400 रुपए मजदूरों को देते हैं। आंगनवाड़ी और आशा बहने जो हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। तो ये करेक्शन करने की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किया, चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया, मदद करी, पूरा धन उन्हीं लोगों को दे दिया, इसको करेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रहे हैं। दो तीन चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान का युवा जब सेना में जाता है, देशभक्ति की भावना से जाता है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, देश की रक्षा करता है और जान भी देने के लिए तैयार होता है। मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अग्निवीर योजना हमारे जवानों पर अपमान है, इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है कि दो तरीके के शहीद नहीं होंगे, एक ही शहीद होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबकी रक्षा होगी। जो गारंटी हिंदुस्तान की सेना सैनिकों को देती है, प्रोटेक्शन की जो गारंटी देती है, वो मिलनी चाहिए, इसलिए अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्मी ने ये स्कीम नहीं मांगी, ये स्कीम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से आई है।